हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो मैं आ गई थी किचन में इससे पहले थोड़ा, तो मैंने चाय वगैरह पी ली है। उसके बाद में मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने आई थी, तो भिंडी वगैरह इसमें डाला है, भिंडी, प्याज और हरी मिर्च ये सब डाल के, और मैंने अच्छे से ढक के पका लिया। उसके बाद में इसमें सारे मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया, ये सब मिला के, और मैं इसको वापस कवर करके रख दूँगी। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच के लिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, और फिर उसके बाद में, और अभी मॉर्निंग के टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और अभी का ये वक्त तो कंप्लीट हो गया है, और मैं इसके बाद में चपाती बनाने वाली हूँ और कुछ चपाती डालने वाली हूँ। और मैं कढ़ाई से हमेशा सब्ज़ी को निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये एल्यूमिनियम की रहती है, तो ये ख़राब होती है। मतलब एक तरीके से कि आप इसमें सब्ज़ी छोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मैं इसको तुरंत निकाल लेती हूँ बना के, और मैं एक ऐसा, मेरे पास एक ये है बर्तन, तो उसमें निकाल के मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत और काम था, तो वो भी मैं कर लेती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह रख दी है, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने उनके लिए खाना वगैरह बना के दे दिया था, वो चले गए। और फिर और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 11, तो मैं इस टाइम पे फली साफ़ कर रही हूँ, जिसको कहते हैं क्लस्टर बीन्स जो होती है, वो साफ़ कर रही थी मैं। तो और साथ में यहाँ पे आ गया मेरा बच्चा पढ़ने के लिए, कहता है मेरे को पढ़ाओ मम्मा पढ़ाओ, तो उसको शेप्स पढ़ने थे। और मैं यहाँ पे काम करती जा रही थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे फली साफ़ की नहीं जा सकती, आपको पहले ही साफ़ करके रखना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले दो बार मैंने धो लिया था अच्छे से, फिर उसके बाद में मैं इसको सुखा दिया था, फिर पानी निकाल के, पानी पूरा निकल गया था। उसके बाद में मैं इसको कट करके और एक बॉक्स में रख देने वाली हूँ। और बीच बीच में मेरा बेटा भी कुछ मुझसे बात कर रहा था आके, और उसके अलावा मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी रही थी यहाँ पे शेप्स। वो मेरे को बार बार पूछ रहा था, मम्मा ये कौन सा शेप्स है, वो भूल जाता है कभी कभी। तो उसको मैं ये बता रही थी कि ये वाला शेप है, ये वाली शेप है, और इसमें जो जो ऑब्जेक्ट्स है, तो वो भी मैं उसको बता रही थी। वो बार बार दूर जा रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि इधर आके बैठ और पढ़ाई कर। तो यही काम कर रहा था वो, और उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, और मैंने भी अपना काम। चैनल, और अभी का काम हुआ है, सब्जी बना ली मैंने किचन में, और चपाती बनानी है, आटा लगा के रख दिया है। और अभी मैंने ये फली साफ़ करके रखी है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है साफ़ करने में, तो मैंने पहले ही साफ़ करके रखी है, क्योंकि फिर जैसे मॉर्निंग में मुझे बनाना पड़ता है, तो ऐसी सब्ज़ी तो मॉर्निंग में क्लीन हो नहीं सकती, तो मैंने दिन में ही करके रख ली है। उसके अलावा कपड़े वॉश करने हैं, और बस खाना खाना है, और उसके बाद में मेरे को एक शूट और करना है के बाद में। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मुझे साइनस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो रात को मुझे दिक्कत हो रही थी। मुझे मॉर्निंग में भी, यस्टरडे मॉर्निंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी साइनस की वजह से। और आप लोगों में से किसको ये प्रॉब्लम है, और किसको इस चीज़ से रिलीफ मिली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अवॉइड कर सकूँ। मतलब कोई भी काम है जो इससे हो रहा है, बट अभी इस टाइम पे मेड नहीं आ सकती, सबको पता है, क्योंकि और किसी के घरों में भी नहीं आ रही मेड। तो
तो मेरे घर में भी नहीं आ रही है इस वजह से, और फिर मुझे झाड़ू निकालना पड़ता तो उसी से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बस। अब वहीं फिर मुझे सारी रात इचिंग होने लग जाती है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे नींद भी नहीं आती। तो किस किस को ये प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या कर रहे हो ऐसा कि आप लोगों को रिलीफ है? मुझे रिलीफ मिलता है, बट लास्ट ईयर से इस पिछले साल से अभी में बहुत फ़र्क है। पिछले साल बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, तो अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैं अभी आया नीचे सब्जी वाला तो डेली आ रहा है, कल भी आया था और अभी भी आया है, और इसी टाइम में अभी हो रहे हैं 11 के आसपास, तो इसी टाइम पे वेजिटेबल्स वाले भी आते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, कचरे वाला भी आता है तो वो भी आके कचरा ले जाता है अपना। तो आज का काम तो यही ख़त्म हो गया, और आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे, आप जरूर देखिएगा। और इस टाइम पे मैंने ली है आधी कटोरी सूजी, और आधी कटोरी से उसमें पहले मैदा था, फिर मैंने ली है आधी कटोरी सूजी। क्या है ना, मैं बोल तो खुद रही थी बट बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, एक दो ट्रेनें वगैरह आ रही जा रही थी इस वजह से, तो मैंने इसको वॉइस ओवर किया। फिर तो यहाँ पे आधी आधी कटोरी मैंने सेम मैदा और आधी कटोरी और सूजी ली है, उसके बाद इसमें नमक डाल दिया, वो थोड़ा सा पिंच सोडा डाला है मैंने इसको, और इसको गूंथ के, और मैं आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था साइड में कपड़े से ढक के, कपड़े को गीले करके, और फिर मैंने इसको रख दिया था। और फिर मैं उसके बाद में यहाँ पे मैंने दो कटोरी पुदीना, जो मैंने अभी छोटी कटोरी थी, दो कटोरी पुदीना लिया, उससे थोड़ा सा कम मैंने धनिया लिया है, और मैंने इनको पीस लिया और पीस के मैंने छान लिया है इनको, और अब मैं इसको डाल देने वाली हूँ इसमें। यह है मेरे पास ठंडा पानी, तो मैं इसमें ये बर्फ ही जम गई थी पानी का, मैं इसको डाल देने वाली। फिर पानी के अंदर मैंने काला नमक और सादा नमक और चाट मसाला है, जीरा पाउडर है, ये सब डाल के इनको मिक्स कर लिया है, जीरा पाउडर भी और यही डालना था इसके अंदर, इसका टेस्ट अच्छा आता है, और इन सबको मिक्स कर लिया है मैंने, और ठंडा पानी था, और मैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगी बाद में, तो अभी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे आ गया मेरा बेटा, तो वो कहता है मम्मा मुझे टेस्ट करना है थोड़ा सा, तो वो आके टेस्ट कर रहा था। और साथ ही में मैं आलू को भी बॉईल करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी मैं काम करके रख देने वाली हूँ, क्योंकि बार बार काम करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा एक बार ही मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 सीटी लगा ली आलू की, तब तक मेरा बेटा इसको टेस्ट कर जा रहा था, उसको अच्छा लग रहा था इसका पानी। और फिर उसके बाद में मैंने इमली, मैं इसमें सबसे लास्ट में डालने वाली हूँ इमली और बूंदी। और अभी देख सकते हो मैं आपको उसमें दिखा रही थी कि मेरी कुकर की रिंग है ना, वो ऑलमोस्ट टूटने वाली है, कट गई है वो, तो वो कभी भी टूट जाएगी, उसके बाद में पता नहीं कुकर में कब खाना बनेगा नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ इस टाइम पर पूड़ियाँ बेलने के लिए, गोलगप्पे के लिए। तो यहाँ पर मैं, और मेरा आटा थोड़ा सा टाइट लग गया था, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था, तो मैंने फटाफट करके बना लिया है। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं मस्ती, उनको एक्चुअली क्या है, उन वेट नहीं हो रहा उनसे कि नहीं मम्मा हमें तो अभी खाना है, तब से वो पीछे पड़े हुए। मैंने कहा नहीं ठीक है चलो पापा को आ जाने दो, उसके बाद में बनाएंगे। तो अभी इस टाइम पे मैंने सारी बना ली है, एक एक करके मैं सारी पूड़ियाँ तल लूँगी। मैं कोई, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ, मैं मतलब किसी की होड़ नहीं कर रही हूँ कि हाँ ठीक है उसका परफेक्ट बना है या नहीं, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ जैसा मुझे आता है बनाना। हाँ आई थिंक कि मेरी ये है जो पूड़ियाँ हैं वो थोड़ा कम फुली है, पता नहीं वो क्यों फुली है कम, और छोटी छोटी मैंने बनाई थी, तो इस वजह हो सकता है थोड़ी मैं बड़ी बनाती साइज़ की तो वो फूल जाती है और भी ज़्यादा, तो इतना ही फुली है ये। और इसके बाद में मैं थोड़ा आलू वगैरह को भी